गोरखपुर जोन के एडीजी दावा शेरपा ने अपने दौरों की शुरुआत सिद्धार्थनगर जनपद से शुक्रवार को की। अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा और नेपाल से सटा होने के नाते एडीजी ने प्राथमिकता से इस जिले का भ्रमण किया। जनपद में आने के बाद उन्होंने सभी थानों में प्रभारी निरीक्षकों थाना जयपुर के साथ कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर एडीजी जोन गोरखपुर ने बताया कि नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी लगाई गई है, सभी एजेंसियों के साथ और बेहतर तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ काम करने की जरूरत है। क्राइम को और बेहतर तरीके से रोकने के लिए आपस में सर्किल व थाना क्षेत्र की भावनाओं को समाप्त कर आपस में टीम मिलकर काम करना होगा। एडीजी ने घटना होने के पहले ही चिंतित अपराधियों को खोजकर कार्रवाई करने के लिए अपने मेहनतों को भी निर्देशित किया, साथ ही चौकसी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा सहित जिले के सभी सर्कल के सीओ, सभी थानों के थानाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। ऐसे भी हैं जो परिवार में कुछ लोग इधर बसे हैं, कुछ उधर बसे हैं, और कई लोगों के तो ऐसे भी हैं कि जिसका मकान एक तरफ है, खेत बारी दूसरे तरफ है, तो लोगों का आना जाना काफी रहता है बॉर्डर में। उसी के आड़ में कई बार आपने देखा होगा अपराधी तत्व, देश विरोधी तत्व भी इसका लाभ उठा लेते हैं, जिसमें आपने तस्करी की बात की, वो भी इसी में शामिल है। इसके रोकथाम के लिए एक समुचित व्यवस्था जो चाहिए, उसमें जो आपने अलग अलग फोर्स की बात की, इसमें बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। वो इसलिए कि सीमा सुरक्षा बल सीमा के में अपना कैंप लगाए हैं, बीओपी है, उनकी चेकिंग है, वो पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन चूंकि अदला बदली होने के कारण वो चूंकि उनको लोकल स्थानीय जानकारी जो है बहुत कम मिलना स्वाभाविक सी है। वेरज लोकल पुलिस के पास सूचना काफी तादाद में रह करता है, बट उसके और कमिटमेंट जैसे अपराध या और कमिटमेंट को लेकर उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा, मैंने अभी जो मीटिंग की है यहाँ, वो इसी के लिए भी जोर दिया है कि एक तो सेंसिटिविटी बॉर्डर अलोंग द बॉर्डर बढ़ी हुई है, उसमें सुनियोजित ढंग से और संगठित रूप से अलग अलग फोर्स आपस में तालमेल बैठा के काम करेंगे तो सफलता मिलना पक्का है। और ये अब हमारे कमांडर साहब भी यहाँ आए हुए हैं, इसी से आपको ये अंदाजा होगा कि ये मेरा तेरा वाला कहानी जो है नहीं चलेगा, ये हमारा जो है प्रयास हमारा होगा। उसके तो प्रयास भी पुलिस अधीक्षक मोदी ने भी किया, दो दिन पहले बॉर्डर पे जाके आपसी तालमेल के साथ चेकिंग की है, लेकिन फिर भी शराब जो होते हैं, जो वहाँ देश शराब है, वो बॉर्डर पाला